गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं गार्डनिंग की कुछ मिस्टेक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसमें ट्रे में हमने ये कोकोपीट भर रखा है। इससे तो सब अलग अलग मीडियम में उगाते हैं, लेकिन मैंने ये कोकोपीट का यूज किया है और इसमें कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कोकोपीट जो भरते हैं उसमें आप चाहो तो बहुत हल्का सा कंपोस्ट मिला सकते हो, क्योंकि जब आप उसमें पानी डालते हो तो मॉइस्चर को थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक होल्ड करता है। और जो इस पर सबसे बड़ी मिस्टेक्स है और कॉमन भी है, तो वो है कि हम सब काम कर लेने के बाद यानी कि ट्रे को कोकोपीट से भर लेते हैं, सीड भी डाल देते हैं, ऊपर मिट्टी से कवर भी कर देते हैं, फिर भी अपने बीज नहीं उगते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे को लगता है वो ये है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना चाहिए कि जब हम ट्रे में बीज लगा देते हैं उनको अच्छे से कवर कर देते हैं, तो उसके बाद हमको किसी ऐसा पॉलीथीन से इसको कवर ज़रूर करना चाहिए। और शुरू शुरू में एक या दो दिन इसको शेड में रख दीजिए, और ज़्यादा धूप है तो भी आपको इसको शेड में रखना है। अगर ज़्यादा धूप नहीं है तो इसको आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन याद करके सबसे ज़रूरी जो है वो यही है कि इसको आपको इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसको खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है सीड लगाने के बाद, क्योंकि सीड लगाने के बाद अगर आप इसको खुला छोड़ते हो तो पानी देते हो और वो मॉइस्चर या तो बहुत दिन तक बना रहता है या फिर वो फटाफट से उड़ जाता है, और उसमें आप वापस पानी डालते हो तो सारे सीड जो इनमें होते हैं वो गल जाते हैं और उनका एक एग्जांपल है। साथ ही साथ आपके सीड उग भी आते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी ये भिंडी की सीडलिंग है और एक इस प्रकार से लंबी हो गई है और इसमें अच्छे से रूट भी नहीं बनी है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ज़मीन है तो अच्छे से उसमें बीज को डालिए, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ज़मीन से अच्छा कोई मीडियम नहीं हो सकता। बस यही है कि आप इसमें कवर करके इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। चाहो तो ज़मीन पे भी ऐसा कर सकते हो, तीन चार जो स्टिक होती है लकड़ियाँ उनको लगाए और उनके ऊपर पॉलीथीन से उसको कवर कर दें। अब इसमें जैसे ही पानी की कमी आई तो ये सारी जो सीडलिंग थी वो आप देख सकते हो किस प्रकार से मरने लग गई है। ये इधर हमारी बहुत सारी जो सीड है वो तो उगे ही नहीं, ककड़ी का एक उगा है और बैंगन बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। शायद इनको टेम्परेचर मेंटेन हो गया है इस वजह से ये बैंगन अच्छी उगी है। और आप देखोगे कि जो कवर करने का फ़ायदा होता है वो क्या है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी ट्रे की भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप किचन गार्डन करते हो या छोटा सा गार्डन है आपके पास, तो आप ऐसे डिस्पोजल ले लीजिए। ये 1-1.5 रुपये का आता होगा लगभग, और इन पर ऐसे आप नाम लिख सकते हो ताकि पहचान जाओ आसानी से। इन पर आप ऐसे नाम लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से इसमें मैंने सीड लगाए, उनको कवर किया और उसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर करके रख दिया। 3 दिन बाद अच्छे से सीड्स की ग्रोथ हो गई। अभी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से सीड्स में ग्रो हो रहे हैं। ये अपना पेटूनिया और ये है कॉसमोस। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से इनमें ग्रोथ हो रही है, इनमें भी आप देख सकते हो, और ये फिलक्स भी अच्छे से अभी ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसे डिस्पोजल लीजिए ताकि आपके सीड्स ख़राब ना हो। नहीं तो मैंने जो गलती की है तो उससे तो मेरे सारे सीड ख़राब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उनमें कोई सीड उग नहीं रहे हैं, बहुत कम उगे हैं। जिस हिसाब से पूरी ट्रे हैं उस हिसाब से नहीं उगे हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है। आप देखोगे कि सीडलिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो जैसे ही 3-4 दिन बाद ये ग्रो हो जाते हैं तो इनको दूसरे पॉलीथीन में आपको शिफ्ट कर देना है। तो दोस्तों ये मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी गार्डनिंग मिस्टेक है,
क्योंकि हमारे सारे इतने महंगे महंगे सीड हम मंगवाते हैं और वो आते हैं वही ख़राब हो जाएंगे, फिर आगे आप करोगे ही क्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके अच्छे अच्छे सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे यहाँ पर अभी बंदर आ चुके हैं तो पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही है।